यूपी के कैसरगंज में ब्रजभूषण सिंह की दहाड़, पहलवानों पर कितना किया प्रहार। ब्रजभूषण की सभा में हजारों की भीड़, लोग इंतजार कर रहे थे। बीजेपी सांसद पहलवानों पर अब बोलेंगे कि तब बोलेंगे। विनेश, साक्षी, बजरंग एंड टीम खुश, ब्रजभूषण की अकड़ को लगा बड़ा झटका, लेकिन जो बात ब्रजभूषण को कहनी थी उन्होंने तो कह दी। कोई शायर कैसे बनता है अब समझ में आया, ब्रजभूषण सिंह की शायरी को सुनकर समझ में आया। जब कोई घिरते चला जाता है जैसे ब्रजभूषण सिंह घिरे हैं, वैसे ही कोई घिरते चले जाए तो शायर बन जाता है, जिस पर से एक एक कर लोगों का विश्वास उठते चला जाता है। जो शान है, जो मान है, जो साख होती है, जैसा कि कभी ब्रजभूषण सिंह की हुआ करती थी, ठीक वैसी ही स्थितियां पनपने जब लगती हैं तो लोग शायर बनते हैं, जैसा कि ब्रजभूषण सिंह शायर हो रहे हैं। कभी ब्रजभूषण अपने विरोधियों पर निशाना लगाने के लिए सीधे शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब कुछ ऐसे हालात बने हैं कि सीधे शब्दों का इस्तेमाल चाहकर भी नहीं कर सकते। शायरी ही अब सहारा है, जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं हों तो खामोश रहना जरूरी हो जाता है। लगता है बीजेपी के बाहुबली सांसद और पूर्व WFIU अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को इस बात का एहसास हो गया। एहसास हुआ तो अब शायर हो गए। अपनी शायरी में कुछ ऐसे शब्दों का ब्रजभूषण सिंह ने इस्तेमाल किया जिसके अर्थ निकाले गए, तो उन्होंने बहुत कुछ कह दिया जो उन्हें अपने मौजूदा हालात के लिए कहना चाहिए था। अब ब्रजभूषण सिंह की शायरी पर उनके खिलाफ मोर्चा संभालने वाली विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया का ध्यान गया होगा तो उन्हें झटका तो लगा ही होगा। एक तो ब्रजभूषण सिंह ने शक्ति प्रदर्शन कर दिया, दूसरा खामोश रहने की नसीहत गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी आलाकमान ने जो उन्हें दी है वो ऊपरी तौर पर तो दिखा, लेकिन सांकेतिक तौर पर बहुत कुछ ब्रजभूषण सिंह ने ऐसा कह दिया कि पहलवानों के गुट के लिए झटके जैसा ही है। अब ये बात और है, ऊपरी तौर पर ब्रजभूषण के अंदाज को पहलवानों से लेकर बीजेपी सांसद के विरोधियों ने देखा होगा तो खुश तो जरूर हुए होंगे। अब देखिए, यौन उत्पीड़न में घिरे ब्रजभूषण सिंह ने गोंडा में एक बड़ी रैली की, अपना शक्ति प्रदर्शन किया, अपनी ताकत दिखाई, लेकिन जो पहलवान उनकी गिरफ्तारी पर अड़े हैं, डटे हैं, उससे नीचे किसी भी मांग की पूर्ति होने के आश्वासन के बाद भी ब्रजभूषण के खिलाफ अपने कदम खींचने के लिए तैयार नहीं, तो वैसी परिस्थितियों के बीच गोंडा में अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के बीच एक सभा की, जिसमें अपने संबोधन की शुरुआत शायरी से की। ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। इसको रुसवाई कहें या सोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें कि सोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम दिया जाता है। ब्रजभूषण सिंह ने शायरी में कहा, कभी यश कभी गम, कभी जहर पिया जाता है तब जाकर जमाने में जिया जाता है, इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, दबे होंठों से नाम लिया जाता है। उन्होंने इस शायरी से अपने संबोधन की शुरुआत की, फिर दार्शनिक अंदाज में लौटे, शब्दों को अपनी जुबा पर लपेटा, जनता के सामने रखा और कहा, हम कई बार ये सोच नहीं पाते क्या खोया क्या पाया। अपने भाषण में ब्रजभूषण ने नेहरू से लेकर चीन और फिर मोदी सरकार की उपलब्धियों पर बात रखी, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का जिक्र किया। ब्रजभूषण ने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उनके पूरे संबोधन के दौरान उन्होंने पहलवानों के आरोप को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन बिना नाम लिए ही उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। बहरहाल, ब्रजभूषण सिंह ने अपने संबोधन का समापन रामचरितमानस की चौपाई और जय श्री राम के नारे से किया। उन्होंने अपने संबोधन के अंत में रामचरितमानस की चौपाई, कोई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, सुनाई।